माननीय सभापति जी, पिछले वर्ष में जो कपास के किसानों को खराब कीटाणुनाशक दवाओं के कारण तथा महाजन से अधिक ब्याज पर ऋण लेने के कारण या प्राकृतिक आपदाओं के कारण या आर्थिक तंगी के कारण आत्महत्याएँ करनी पड़ी, इसे इस वर्ष के संदर्भ में भी देखा जाना चाहिए। पिछले साल में बहुत अधिक कपास का उत्पादन हुआ था और सरकार पूरी कपास को नहीं खरीद पाई थी, जिसके कारण किसान की आर्थिक दुर्दशा हुई थी। भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ का किसान भारत के 100 करोड़ लोगों को भोजन दे रहा है। जो किसान 100 करोड़ लोगों को भोजन दे रहा है, स्वयं वह और उसके बच्चे अगर भोजन रहित सोए या उन्हें आर्थिक तंगी के कारण आत्महत्या करनी पड़े या अपने बच्चों को मजबूर होकर बेचना पड़े, तो इससे गंभीर बात देश में नहीं हो सकती। पिछले वर्ष में जब किसान की आर्थिक दशा खराब हो गई थी, तो उसकी उपज कम होना स्वाभाविक थी, क्योंकि अच्छे बीज, खाद और दवाइयाँ लेने के लिए उसके पास पैसा नहीं था, समय पर उसको ऋण नहीं मिला। आंध्र प्रदेश में भी कपास के 37 किसानों ने आत्महत्याएँ की थी और उस वक्त रिजर्व बैंक में इसके अध्ययन के लिए एक समिति का गठन हुआ था, लेकिन आज तक किसी भी सरकार ने गठित उस समिति के सुझावों को प्रकाशित नहीं किया और न ही सुझावों पर अमल किया। सदन को और इस देश के लोगों को अभी तक यह भी पता नहीं कि उस कमेटी की रिपोर्ट क्या थी। किसान की इससे बदकिस्मती क्या हो सकती है कि अगर गेहूं का उत्पादन बढ़ाए तो गेहूं के किसान की आर्थिक दशा हो जाए, गन्ने का उत्पादन बढ़ाए तो उसकी आर्थिक दुर्दशा हो जाए, आलू का उत्पादन बढ़ाए तो उसकी आर्थिक दुर्दशा हो जाए, प्याज का उत्पादन बढ़ाए तो उसकी आर्थिक दुर्दशा हो जाए और कपास का उत्पादन बढ़ाए तो उसकी आर्थिक दुर्दशा हो जाए। सभापति जी, गन्ने का कुछ वर्ष पहले बहुत अधिक उत्पादन हुआ, किसान को अपना गन्ना अपने ही खेतों में जलाना पड़ा था। इसी तरह से 3 साल पहले प्याज का उत्पादन बहुत अधिक हुआ, प्याज सड़ गई थी और किसान को प्याज का दाम नहीं मिला था। इसी तरह से पिछले वर्ष आलू सड़ गया था, लेकिन दूसरी ओर 2 वर्ष पूर्व रबड़ का आयात कराना पड़ा, जिसके कारण पिछले वर्ष रबड़ का अधिक उत्पादन किसान ने किया।